और महंगाई की मार से आम लोगों को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में इजाफा होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। इसी को लेकर लखनऊ से देखिए हमारे संवाददाता रवि कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। एक के बाद एक बात बढ़ रही महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। कभी सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, कभी खाने के तेल के, कभी पेट्रोल के, कभी डीजल के, तो कभी आपको बता दें कि जो गैस सिलेंडर है उसके दाम बढ़ जाते हैं। 15 रुपए 50 पैसे कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। इसका सीधा जो असर पड़ता है वो कारोबारियों पे पड़ता है। ये खाने पीने की एक दुकान है और यहाँ पर जो कमर्शियल सिलेंडर उसका इस्तेमाल होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो रखना जरूरी होता है कारोबारियों के लिए खास तौर पर। और ऐसे में जब रसोई गैस के दाम बढ़ते हैं तो घरेलू लोगों पर इसका असर पड़ता है, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो जो कारोबारी है उनके काम पर असर पड़ता है। हालांकि जो खाने पीने की चीज़ें उसके दाम एकमुश्त रहते हैं और जो भी कीमत है वो उनको लेनी होती है। हालांकि पूरी सब्जी की बात करें या बाकी की चीज़ों की बात करें तो वो जब दुकान पे बेचते हैं तो जब सिलेंडर की जब खरीदारी करते हैं तो पता चलता है कि सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। फिलहाल खाने पीने की दुकान है यहाँ पर और इनसे पूछते हैं कि जो 15 रुपये 50 पैसे की जो बढ़ोतरी हुई है उससे कितना असर, क्या कुछ असर पड़ेगा इनके कारोबार पर। अभी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 15 रुपये 50 पैसे बढ़ोतरी हुई है। क्या अभी कुछ दिन पहले सस्ता हुआ था फिर महंगा हुआ, क्या कुछ असर पड़ता है? थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती ही है, हम लोग को तो बेचने में उतने ही पैसे मिलते हैं और हम लोग का भी नुकसान होता है और काफ़ी पैसे चले जाते हैं इस तरीके से। अभी कुछ दिन पहले आलू के दाम बढ़ गए थे, प्याज के दाम बढ़ गए थे, आपकी खाने पीने की दुकान है, तमाम सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। जब दाम बढ़ते हैं तो अब चूँकि बिक्री तो सीमित दाम पर ही करनी होगी, अब जो भी महंगाई होगी उस हिसाब से तो हम लोग को सामान तो खरीदना ही पड़ेगा, बैंक पैसा देगा लेकिन हम ही लोग का तो नुकसान होता है, उसमें पैसा हम ही लोग का तो चला जाता है, हमारी कमाई से चला जाता है। अभी सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए थे, तेल महंगा हो गया, सिलेंडर भी महंगा हो गया, तो जो पूरी सब्जी अभी कितने का बेचते हैं इस समय? तो 25 रुपये। हाँ लेकिन अभी जो दाम बढ़ने से क्या आपको तो कमाई कम हो गई होगी? अब कमाई तो कम हो ही जाएगी जब हमारा पैसा जाएगा, जो चीज़ 8 रुपये 7 रुपये में मिल रही है वो 27 रुपये में खरीदेंगे तो पैसा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर असर पड़ता है इसका। आप ये बताइए कि जो कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं पर जो महंगाई है उसका थोड़ा सा जो दबाव है वो कम होना चाहिए। भैया क्या करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ। अभी कमर्शियल सिलेंडर के दाम आज फिर बढ़ गए, 15 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया है। अभी सब्जियों के दाम कुछ दिन पहले बहुत महंगे हो गए थे, तो खाने पीने की दुकानें जो है जो भी जितने की भी पूरी सब्जी बेचते हैं, जब चीज़ें महंगी होती हैं महंगाई होकर असर होता है तो चीज़ें इनको भी महंगी बेचनी पड़ेगी क्योंकि ये भी तो कमाएंगे ना। हाँ कमाएंगे भैया, पैसा सरकार बढ़ा ही रही है तो हर चीज़ में, तो इनका भी रेट बढ़ेगा, अगर रेट नहीं बढ़ेगा तो कमाएंगे कहाँ से। क्या लगता है कुछ महंगाई पे कुछ दबाव होना चाहिए? कुछ कम दबाव होना चाहिए, बिल्कुल महंगाई पे दबाव होना चाहिए, हर चीज़ पे दबाव होना चाहिए। हर चीज़ धीरे धीरे महंगाई भी होती है और धीरे धीरे सस्ता भी हो जाता है कभी कभी। जैसे सब्जियों का रेट बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, देख रहे हैं आज हर चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, इसीलिए सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे महंगाई कम हो? सरकार से हम यही अपील करेंगे भैया महंगाई थोड़ी कम हो जाए और क्या। निश्चित तौर पर ये शहर के अलग अलग वर्ग के लोग हैं, कोई नौकरी करता है कोई काम करता है, तो जाहिर है कि जो कमर्शियल सेंटर के दाम बढ़े हुए हैं उसका असर फिलहाल अभी तो कुछ नहीं हुआ है लेकिन जैसे जैसे चीज़ों के दाम बढ़ते हैं उससे कारोबार पे असर पड़ता है, खाने पीने की चीज़ों के दाम भी बढ़ सकते हैं, तो इसका सीधा सीधा असर है वो आम लोगों पर बजट पर पड़ता है। राजेंद्र के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज़ लखनऊ। और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के